Welcome to Just Drive. I am Ahmed. Our commitment and dedication has been very constant. We bring to you what's best on the roads of Pakistan. That's all we've been doing. Jugaadi hum aapko aaj dikhayenge. It's a very common, but not to forget, it's a very popular car on the road. In the Asian, Australian and European markets, it's known as a Toyota Vigo. Lekin duniya bhar mein isko Toyota Hilux kehte hain. Talking about the Toyota Vigo, Toyota Hilux, also known as the Hilux Vigo, let's go into the background and the history of these cars. The Toyota Hilux came into production in 1968. मतलब जो इसकी production start हुई थी गाड़ी की 1968 से गाड़ी बनना start हुई थी. Generations चलती आई हैं गाड़ी की. It was known as a Toyota Pickup, Toyota Hilux, फिर Toyota Tiger आई थी, फिर ये आई Hilux. Finally in the market came the Hilux Vigo. जो कि सडनली बिकॉज इम्पोर्ट खुली थी उस वक्त और जीप्स आना शुरू हुई थी, बिकेम वेरी पॉपुलर. दिस पर्टिकुलर कार इज़ 2008 मॉडल, यानी कि 2008 का मॉडल है. इट्स अ रिलेटिवली वेरी न्यूअर मॉडल. दिस कार केम इन प्रोडक्शन आई थिंक इन 2005. दिस मतलब दिस शेप एंड दिस ये जो फेस अपडेट वगैरह हुआ था टाइगर के बाद, जो वीगो आई थी वो 2005 में आई थी. और दिस इज़ द सिक्स्थ जनरेशन ऑफ द टोयोटा वीगो, टोयोटा हाइलक्स. ऑब्वियसली इसको कहते हैं वीगो इन द यूरोपियन, इन द एशियन एंड द ऑस्ट्रेलियन मार्केट, इसको वीगो कहते हैं. उसके अलावा दुनिया भर में इस गाड़ी को कहा जाता है टोयोटा हाइलक्स. इवन इन अमेरिका इट्स कॉल्ड द हाइलक्स एंड नॉट द वीगो. वीगो सिर्फ इसको एशियन और ऑस्ट्रेलियन एंड यूरोपियन मार्केट्स में कहा जाता है. जितनी भी ये हाइलक्सेस 2005 से जो बनना शुरू हुई हैं, ऑल ऑफ देम जो कि अपनी एशियन मार्केट्स में, यूरोपियन और ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स में जाती हैं, दे आर नॉट मेड इन जापान. ये लोगों का बहुत एक सोच है, दे आर ऑल मैन्युफैक्चर्ड इन थाईलैंड. जो एशियन मार्केट्स में, जितनी भी एशियन मार्केट्स में जाती हैं, जापान में कोई गाड़ी नहीं बनती. दिस कार्स आर ऑल मेड इन थाईलैंड. दिस पर्टिकुलर कार स्टैंडिंग विद मी इज अ लिटिल मॉडिफाइड. आई नो यू माइट बी थिंकिंग कि इसकी लाइटें और इसका कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं. वी गोना टॉक अबाउट दोज थिंग्स वंस वी हैव द ओनर हेयर. बट फॉर नाउ, एज फॉर नाउ, अभी जो चीज़ है वो ये है कि इसके इंजन के बारे में बात करते हैं. फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दे थिंक दैट दीज वीगोज, बिकॉज दे आर जनरली देर बिगर साइज, विल बी हैवी ऑन फ्यूल, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट द केस. इट्स अ 3000 cc इंजन, यानी कि 3.0 liter इंजन है. इट्स अ टर्बो डीजल, यानी कि 3000 cc डीजल गाड़ी है और टर्बो, बिकॉज ऑब्वियसली डीजल्स आर यूजुअली लिल अंडर पावर्ड इंजन, तो उसमें टर्बो डाला जाता है. एंड स्पेशली अगर गाड़ी का ये साइज होगा तो उसको टर्बो की बहुत ज़रूरत है फॉर इट टू बी पावरफुल एंड यू नो ऑब्वियसली रिस्पॉन्ड इक्वली टू द कार. फात कैसे हो? ठीक ठाक. अच्छा फात, मुझे ये बताओ कि यू हैव मेड अ फ्यू चेंजेस इन द एक्सटीरियर. लेट्स स्टार्ट विद द चेंजेस. क्या क्या चेंजेस? या वेल, व्हाट वी चेंज बेसिकली वाज के द नॉर्मल वीगो हैज अ डिफरेंट लाइट, अ डिफरेंट ग्रिल, बेसिकली अ डिफरेंट फ्रंट. सो व्हाट आई प्लान टू डू वाज के आई चेंज द लाइट्स, आई चेंज द ग्रिल्स, एंड बिकॉज ऑफ द लाइट्स द बम्पर हैड टू बी फिटेड आल्सो, द चेंज्ड मॉडल ऑफ इट. अच्छा, ये सारा कुछ आसान था, ये तुमने किस गाड़ी का लगाया? दिस इज बेसिकली, इफ यू सी दिस राइड कॉल्ड फॉर्च्यूनर, ये टोयोटा फॉर्च्यूनर की लाइट्स एंड ग्रिल यूज गाड़ी की है. ठीक है, तो वाज इट इजी गेटिंग देम फिटेड? वी नेवर नो, बिकॉज़ आई एक्चुअली ऑर्डर्ड इट व्हेन आई वाज गेटिंग द कार फ्रॉम थाईलैंड. व्हाट आई डिड वाज के दे आस्क्ड मी के व्हाट चेंजेस आई वुड लाइक अ सिंपल वर्जन, वुड आई लाइक अ जी वर्जन. सो व्हाट आई रिक्वेस्टेड देम वाज के कैन यू पुट अ फ्रंट ऑफ फॉर्च्यूनर, व्हाट यू कुड डू इज चेंज द लाइट्स एंड ऑल. So they got, so you got these little accessories. Uske alawa, any other, why did you get this put? Is well, it very handy? Basically the thing was ki these were all the accessories which were on view. So at the time when I was choosing and I was thinking about which accessories I should go for, I went for the complete fully optional package. Okay. D4D लिखा होता है, यानी कि इट्स ऑब्वियसली 3.0 डीजल इंजन ऑन 4D. इट्स अ फोर व्हील ड्राइव इंजन. इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इट्स अ 14 डॉग 14 इंजन, यानी कि लोग सोचेंगे कि डीजल में भी डॉग आता है. यस, टोयोटा इज ऑल्सो वेरी एफिशिएंट व्हेन दे मेक दीज डीजल इंजन.
सो इट्स अ डॉक 14, इट्स अ 16 वाल्व डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम. पहले कार्बोरेटर सिस्टम आता था, फिर डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम है. एंड इवन दो द साइज इज ह्यूज, इट्स अ डीजल टर्बो, टर्बो डीजल. दिस कार प्रोड्यूसेस 173 ब्रेक हॉर्स पावर. मतलब 173 ब्रेक हॉर्स पावर फॉर अ कार दिस साइज इज गुड. आई थिंक इट्स वेरी गुड क्योंकि कंसिडरिंग दोज सिविक्स एंड दोज करोलाज दैट वी हैव, इवन दो देर ऑलमोस्ट 1800 सीसी नाउ, दे प्रोड्यूस अबाउट 120 मैक्स ब्रेक हॉर्स पावर. सो दिस कार इज वेरी पावरफुल एज कम्पेयर टू इट्स साइज. अच्छा, ये मुझे बताओ कि आर द ऑल द जीप्स दैट आर अवेलेबल एंड द एसयूवीज दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, और क्योंकि तुम्हारे पास एक सर्टेन एक्स अमाउंट ऑफ पैसे थे, तो एक्स अमाउंट ऑफ पैसे में तुमने ये क्यों ली? व्हाई नॉट अ सर्फ और अ प्राडो और अ मार्क एक्स? और चलो वो तो जीप जीप की कैटेगरी में, लेकिन पजेरो और निसान पेट्रोल, व्हाई डिडंट यू गो फॉर दोस? व्हाई अ वीगो? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट ऑफ बाय, इफ यू मेक अ चॉइस ऑफ एसयूवी और अ जीप, यू हैव टू थिंक ऑफ द फैक्ट के टोयोटा इज द बेस्ट ऑप्शन. Nissan, Mitsubishi on the other hand are high on maintenance and so far not so good. So the particular reason why I chose this Surf is a car which, a Jeep which is basically not at that good in off-roading. Taken up. On the other hand, Prado was not what I was looking for. The look of what a Vigo would give you, that was the kind of look I was going for. Basically, grand look, thoda sa badmash look bichara. That was the look. The thing is, it's all about the look.